ये कि शहर के विभिन्न मार्गों गलियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने की वजह से बारिश पर नालियों का पानी व्यापारिक स्थल व सड़कों गलियों में भर जाता है, वजह से व्यापारियों के अनेक कीमती सामान खराब हो जाते हैं व ग्राहक व्यापारिक स्थल पहुंच पाने से वंचित बना रहता है। समस्या के निदान हेतु जल निकासी की बेहतर व व्यवस्थित व्यवस्था की आवश्यकता है। अतः विनम्र निवेदन के साथ उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश उपरोक्त समस्त समस्याओं के निदान की मांग आपसे करता है, ताकि व्यापारियों, ग्राहकों, महिलाओं, राहगीरों, निवासियों की उपरोक्त समस्याओं का निदान हो सके। हमारा उद्देश्य राष्ट्रहित, समाजहित, जनहित, व्यापार हित, सर्वभिवादन सहित। किशन मेहरोत्रा, संस्थापक अध्यक्ष राजेश वर्मा, मनोज साहू, अनिल वर्मा, प्रेम दत्त उमराव, श्रवण कुमार दीक्षित, सैराज अहमद खान, कृष्ण कुमार तिवारी, संदीप श्रीवास्तव, अशरफ अली, बबलू गुप्ता, गुरमीत सिंह बग्गा, रज्जन गुप्ता, रामबाबू गुप्ता, अचल रसोगी, धीरेंद्र प्रताप सिंह, संजय श्रीवास्तव, सुनील वर्मा, सौरभ गुप्ता, गंगा सागर, अभिषेक रायजादा, राशिद बाबा, मुजाहिद हसन, मनोज पासवान, उदय प्रताप सिंह। उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश माननीय जिलाधिकारी महोदय को व्यापारी समस्याओं का एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा है, जिसमें प्रमुख समस्या व्यापारियों की है जो जल निकासी के अंतर्गत बाधित जलापूर्ति से जो अनेक व्यापारिक स्थलों में पानी भर गया है, किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं है जल निकासी के, कीमती सामान हमारे व्यापारियों भाइयों का नष्ट हो रहा है, कूड़ा घर मुख्य मार्गों से कूड़ा घर का संचालन है, राहगीर हैं, बच्चे हैं, छात्र छात्राएं व स्थानीय व्यापारी आए दिन बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। प्रमुख समस्या के अंतर्गत जो अति विशेष समस्या है वो अति निर्धन व्यापारी ठेलिया गुमटी पटरी, आए दिन उनका चालान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। उनके निदान के लिए एक मांग रखी गई है कि फूड हब व आवंटन उनके स्थान का किया जाए, जिससे वो शोषण से बच सके। प्रसाधन सुविधा एक बहुत अत्यंत कठिन समस्या है व्यापारियों के लिए, ग्राहकों के लिए, महिलाओं के लिए। प्रसाधन सुविधा की उपलब्धता ना होने के कारण अनेक पीड़ा से वो गुजरते हैं। हमारा ये पूरा व्यापार मंडल इन चारों मांगों के लिए माननीय जिलाधिकारी से मिला और उनको एक मांग पत्र देकर निवारण की मांग की है, और उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर इन समस्याओं का निदान होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा।